हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक आई प्रॉमिस कि इस चैनल पर मैं आपके साथ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के टिप्स शेयर करती रहूँगी। सो जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक बहुत ही पुराने डैमेज्ड फिल्टर को रीयूज़ करके एक ब्रांड न्यू स्टूल बनाया था, उसी तरह आज एक हम आइटम को करेंगे रिसाइकल और एक ब्रांड न्यू आइटम बनाएंगे। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बात करूंगी रिसाइकिल पर। सो अगर हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए उस चीज़ का नेम मैं डिस्क्लोज करती हूँ। वो चीज़ ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास होती है और हर एक बच्चे ने उसको चलाया होता है और कुछ बच्चे तो उसके लिए ज़िद भी करते हैं। सो उस चीज़ का नाम है साइकिल। सो आज हम करेंगे साइकिल को रिसाइकिल, और क्या बनेगा उसको रिसाइकिल करके तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो हमारे भी गैरेज में एक ऐसी ही साइकिल है जो रस्ट और डस्ट से डैमेज हो चुकी है, जिसको हमने करना है रिसाइकिल और बनानी है एक नई आइटम। ये है मेरी वो साइकिल जिसकी मैंने अभी बात करी है। सो साइकिल की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। तो मैंने थोड़ा रिपेयर भी किया है बट स्टिल बहुत ज़्यादा रस्ट है। ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मैं इस साइकिल को करूँगी अभी वाइट प्राइमर। साइकिल को प्राइमर करने से पहले मैंने डस्ट को पूरी तरह से क्लीन किया है और जो रस्टेड एरिया है उसे भी रिपेयर किया है। साइकिल को 4 to 5 hours लगा के मैंने प्राइमर कंप्लीट कर दिया है। प्राइमर होने के बाद साइकिल में थोड़ी सी शाइन आ रही है, बट जैसा कि पहले हमने देखा कि साइकिल की कंडीशन कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, काफ़ी पुराना होने के कारण ख़राब हो गया है। सीट भी बहुत डैमेज थी बट पेंट से थोड़ी शाइन कर रही है और टायर्स तो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुके हैं। साइकिल को हम इस कंडीशन में चला तो नहीं सकते बट हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। साइकिल की बेल और ब्रेक्स भी सही नहीं हैं। बेल थोड़ा रुक रुक कर काम करती है बट ब्रेक्स तो टोटली डैमेज्ड हो चुकी हैं। साइकिल का वाइट प्राइमर सूख कर पूरी तरह से सेट हो चुका है। अभी साइकिल को मेरे को पेंट करना है तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं घर पे, एक है येलो और एक है ग्रीन। सो इन दोनों में से ही मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ग्रीन करना है या येलो करना है। सो दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं साइकिल को येलो पेंट करूँगी। आई डोंट नो कैसा लगेगा बट लेट्स सी। साइकिल को येलो पेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आई होप ये अच्छा ही लगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी लाइक येलो साइकिल कैसा लगेगा। आज दिन तक मैंने येलो कार, येलो स्कूटर और येलो बाइक तो देखी है बट आई गेस रेयरली मैंने कोई येलो साइकिल देखी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये येलो साइकिल कैसा लगेगा। साइकिल को पेंट करने का प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, सो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 hours एटलीस्ट। सो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। साइकिल को पेंट करने में जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो है साइकिल के स्ट्रिंग, और जिसको हम थ्रेड्स भी बोलते हैं। सो अभी बैक टायर के बीच में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं मैं उन्हीं को पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत स्लीक होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं पर ही लगता है और पेंट होने के बाद ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो जब तक साइकिल को मैं पेंट कर रही हूँ तब तक मैं साइकिल की कुछ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक कि आप भी सोच रहे होंगे इस साइकिल को मैंने किसी को रीसेल क्यों नहीं किया, या फिर मैंने इस साइकिल को कबाड़ी वाले भैया को क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये साइकिल ऑलरेडी बहुत डैमेज्ड है। बट देर इज़ वन ब्यूटिफुल स्टोरी बिहाइंड इट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये साइकिल अराउंड 25 years old है। इस साइकिल के साथ बड़े ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये साइकिल हमें हमारे मामा जी ने दी थी। सो यही एक वजह है कि आज दिन तक हमने इस साइकिल को रीसेल नहीं किया और ना ही इस साइकिल को हमने कबाड़ी वाले भैया को दिया। इस साइकिल के साथ हमारे स्पेशल इमोशन कनेक्शंस हैं और उसके साथ साथ ये हमारी फर्स्ट साइकिल है। सो इसलिए हमने इस साइकिल को रिसाइकिल करके न्यू करने का सोचा। रिसाइकिल होने के बाद ये साइकिल बिल्कुल नई हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी, और उसके साथ साथ इस साइकिल को दोबारा हम अपने घर पर यूज़ कर सकेंगे।
साइकिल एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ आइटम है। लाइक वन बेसिक यूज़ तो ये है कि हम इसके साथ साइकिलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लोगों को साइकिल को बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए देखा है। एक बच्चे ने साइकिल को रीयूज़ करके घर में ही वॉशिंग मशीन बनाई थी, और कुछ लोगों ने साइकिल की हेल्प से घास काटने की मशीन बनाई, और कुछ लोगों ने साइकिल की हेल्प से धान काटने की। तो इस तरह साइकिल को हम बहुत ही अलग अलग तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास भी एक ऐसा ही आइडिया था, तो मैंने उस आइडिया पे वर्क करके साइकिल को रीयूज़ करने का सोचा। आपके पास भी कोई ऐसा ही आइडिया है और आपके पास भी कोई पुराना साइकिल है, तो आप भी उसको रीयूज़ या फिर रीसाइकिल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने साइकिल को पहले से ही रीसाइकिल या फिर रीयूज़ करके कुछ न्यू आइटम बनाया हुआ है, तो आप अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इस तरह हम अपने डिफरेंट आइडियाज़ को डिफरेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें और भी बहुत नए यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे। चीज़ों को रीसाइकिल करके उनको एक नई लाइफ देना एक बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट की हेल्प भी करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम चीज़ों को रीसाइकिल करते हैं, सो दैट मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। आप भी हमारी तरह इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपने घर में कोई ऐसी पुरानी चीज़ निकाल कर उसको रीसाइकिल या फिर रीयूज़ कर सकते हैं। आई नो हम सबके घर में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ तो होती ही है जिसको लाइक हमने यूज़ करके छोड़ दिया होता है, या फिर कोई किसी कोने में पड़े पड़े सड़ रही होती है। सो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान करना चाहिए, तो हमें उन चीज़ों को दोबारा से रीसाइकिल या रीयूज़ करना चाहिए, ताकि हम उनको एक नई लाइफ दे सकें और वो पड़े पड़े सड़ ना जाएँ। आज दिन तक मैंने अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को रीसाइकिल या फिर रीयूज़ किया हुआ है। सो आई होप आपको भी ये अच्छा लग रहा हो और आप भी हमारे साथ जुड़ें। अगर आप भी अपने घर में पुरानी चीज़ों को रीसाइकिल या रीयूज़ करके यूज़ करते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुए आइडियाज़ को मैं अपने चैनल पर शेयर करूं, तो आप अपने जो कंटेंट है या पिक्चर्स हैं वो मेरे साथ मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में डाल दूंगी। सो आप मुझे ईमेल करके अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसको और लोगों के साथ शेयर करूं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में कुछ अच्छा काम कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो आप अब हमारी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये एक जो इनिशिएटिव हमने लिया है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। साइकिल को पेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सो इट्स बीन लाइक माय 2 डेज एक्टिविटी। सैटरडे को मैंने साइकिल को गैरेज से निकाला, उसे वॉश किया, उसको लाइक जहाँ पर रस्ट थी उस एरिया को रिपेयर किया, और फिर उसको मैंने प्राइमर किया। एंड प्राइमर अराउंड 24 आवर के बाद कम्प्लीटली सूख गया था और सेट हो गया। उसके बाद आज संडे को मैंने इसको पेंट किया है। नाउ इट्स बीन 2 to 3 hours पेंट करते करते, इतना टाइम लग ही गया है। सो और कुछ अच्छा करते करते कुछ उल्टा तो मुझसे हो ही जाता है। पेंट करते करते मेरे से थोड़ा पेंट गिर गया था, सो आई विल बी टेकिंग मोर केयर नेक्स्ट टाइम। सो ये है आज की क्रिएटिविटी, अ येल्लो साइकिल। सो साइकिल को मैंने 2 to 3 hours लगाए हैं फुली पेंट होने के लिए। अभी थोड़ा गीला है, ड्राई हो जाएगा कल तक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डेकोरेट करूँगी। सो क्या डेकोरेट करना है, कैसे डेकोरेट करना है, आपके पास आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।